झील के किनारे बैठा हुआ था दोस्त। लेकिन कहते हैं ना प्रकृति का अपने आप को ढाल लेती है। ये बात आप विश्वास भी करते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन यहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी जड़ी बूटियों के बारे में, ज़्यादातर जो यहाँ के रहने वाले कीट हैं उनको जड़ी बूटियों का कितना ज्ञान होता है कितना नहीं। वो क्या करते हैं, यहीं पे रहते हैं तो मौसम के अनुसार, जब मौसम के अनुसार जो जंगल के अंदर जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं तो बंदर उनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं झील के चारों तरफ। तो कुछ अभी यहाँ बैठा हुआ था तो यहाँ पे जड़ी बूटियाँ मेरे को दिखाई दी। कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो मैं अभी आपके सामने बताना चाहूँगा। ये जो आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है वन तुलसा बोलते हैं इसको। इसका जब मैं ये पत्ता तोड़ता हूँ तो ये इसके अंदर इतनी स्मेल है, ओह यानी बहुत ज़्यादा तीखी महक। वन तुलसा बोलते हैं इसको। और ये जो है ये कुकर भंगरा जिसको बोलते हैं, ये वाली हाँ ये पशु और पक्षियों के ज़्यादातर काम आती हैं, हाजमे के लिए दवाई होती है। और ये जो इंसानी रूपी में काम आती है, भृंगराज जिसको बोलते हैं आयुर्वेदिक में जो राजा कहा जाता है वो ये है भृंगराज। ये सफ़ेद भृंगराज है, ये भी जिसको सदारी बोलते हैं कुछ एरिए में, भारत के हिस्से में इसको सदारी भी बोलते हैं। काटने जहाँ फोड़ा हो जाए फुलसी हो जाए उसके जख्म पे लगा सकते हैं। गाय भैंस जब ज़्यादा हीट दिखाती है तो उसको इसको कूट के भी देते हैं। बच्चादानी जब वो बाहर निकल जाती है भैंस की, यानी जिसको गात दिखाना बोलते हैं उसको फूल दिखाना, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आदमी का भी अगर बवासीर होती है तो इसकी जो तासीर है वो बिल्कुल ठंडी है, नेचुरली है, तो हम आदमी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बवासीर हो जाती है, घात रोग हो जाता है तो लीवर में गर्मी हो जाती है, इसका ले सकते हैं। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है ये फूल वाली है, इसको बोलते हैं सहदेवी। ये गुलाबी फूल होते हैं सहदेवी, मानसिक तनाव उसके लिए अच्छी। ये शायद जो आपको दिखाई दे रही है ये अड़ूसा, बंदर हैं गिद्दड़ हैं जंगल के अंदर वो इसमें खांसी में यूज करते हैं इसके पत्ते को। इंसान भी यूज कर सकता है, आपको पता जितनी जड़ी बूटियां हैं वो है। पशु पक्षियों से ही स्टार्टिंग होती हैं, वहीं इनको खा के इनका बीज इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर फैला देते हैं और उन्हीं से ही पैदा होती है। तो ये तुलसा अब देखो पानी के किनारे, ये बिल्कुल झील है और हाइट तो बहुत ऊपर है, मैं तो नीचे हूँ। नीचे आने के बाद भी ये जंगली तुलसा जिसको वन तुलसा बोलते हैं बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में। ओके तो अगली वीडियो में अगली कुछ जानकारी मिलेंगी आपको दे दी जाएगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।